told your friend you're not okay. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम के देखिए 5:15 बज गए और आज सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया और बस ऐसा ही काम में ही लगी रही। सुबह तो थोड़ा ज़्यादा सा था ही काम आज, क्योंकि जब कुछ फंक्शन वगैरह होता है उससे अगले दिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कपड़े वगैरह आज मैंने नहीं धोए क्योंकि मौसम आज हो रहा है ख़राब। आज सुबह से बारिश हो रही है, कंटिन्यू नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही है। तो अब शाम का टाइम है, शाम के टाइम की मेरी देखिए बन गई है चाय कड़क वाली। ये देखिए कड़क चाय, और मैंने इनके लिए भी बना दिया। आप भी पियोगे क्या चाय? बना दिया आज मैंने बिना पूछे ही। बना दी तो पी नहीं पड़ेगी। नहीं, वो तो मैं बाद में पी लूंगी अगर कहीं कोई पियोगे तो। यो भी इतना दिक्कत है, कभी बिरान हो है फिर पी ले। जब तो जाओ पपीता लेके रखा नीचे, संतरे रखे में खा, चाय पीनी जरूरी। तो आप खा लो ना, मैं तो अपने लिए छान। मैं तो पिच्छा से खाए हुए एक आध घंटे पहले ना। आपको पता पपीता तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, पता ना। फिर संतरे खा लूं, लेकिन संतरे खाने का ना खाने का वो है कि गले में मेरे दिक्कत है, तो इसलिए मुझे चाय अदरक वाली मैंने बना ली। उसी से ही आराम भी लगा, वही मैंने अपनी खुराक ले ली, बना लिया। और बस चाय बन गई है। और गुड्डू का आज था एग्जाम, साइंस का पेपर था उसका, तो वो आ गई थी 3 बजे के लगभग, लेकिन अभी वो लेट रही है। थकी रात हुआ, सोई नहीं, कमी सोई रात इस वजह से। तो अभी उठ तो रही है लेकिन उठी नहीं। मम्मी नहीं बस उठा नहीं जा रहा, यूं कह रही मैं चल लेट गया। और यहाँ पे देखे मैंने प्लेट लगा के तैयार कर ली, ये ले लिया बिस्किट और नमकीन है, और ये मिठाई आपको बताई है इंदु लेके आई। उसने अपनी वीडियो में बताई दिया है कि किस लिए वो लेके आई, और मतलब अच्छा लगा देखे सुनकर। अच्छा लगता है कि कोई भी कुछ काम घर में करे तो बहुत खुशी होती है, तो ये उसी की मिठाई है। हम मिठाई भी खाएंगे, और सबको ये वाली मिठाई घर में पसंद है। इसे उसे छुपा कर रखी मैंने, मम्मी आपको पता तो यह मेरी फेवरेट है। मैं बेटे ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं होता। और दोपहर के टाइम मैंने बनाई थी दाल, ये रखी दाल मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी शाम के लिए भी, क्योंकि दोपहर को ज्यादातर मैं सब्जी जब भी बनाऊँ ना थोड़ी ज्यादा ही बना लूँ, तो इस वजह से मगर दोनों टाइम का काम हो जा। बनाने की दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी टेंशन है क्या बना मैं, उसकी दिक्कत है। फिर मेरी दो टाइम की एक टाइम में टेंशन बदल जा। दो टाइम का काम हो जा, ये है। सुबह बच्चों के लिए बनाई, फिर वही दोपहर को बनाई, अब तीसरे टाइम फिर क्या बना मैं, यही रहा। सुबह तो, की तो नहीं चलो, कोई शाम तक कभी ना चले। हाँ, सुबह की तो चलती भी नहीं है, दोपहर को मैं थोड़ा ज्यादा ही बना लूं तो वो शाम तक हमारी चाय ना सब्जी चल जावे। और ईशु गई हुई है ट्यूशन, ईशु भी, पीयू भी और रोई भी, वे आ जाएंगी, आने वाली आएंगी तो 6 बजे आएंगी। वे तो उनके भी पेपर चल रहे हैं आज। ईशु की तबीयत थोड़ी डाउन है, उसको आज कोल्ड हो रहा बहुत ज्यादा, तो उसकी दवाई खाता मैं कहा ला दो खत्म हो गई उसकी वजह वाली ले आइयो। नहीं तो आज कुछ तो मौसम की वजह से हो रहा ज्यादा, जो बीमार हो रहे ना मौसम की वजह से हो रहे। मौसम कभी तो गर्मी और कभी सर्दी, आज फिर ठंड बहुत ज्यादा होगी मौसम खराब होने की वजह से। और फिर एक दिन गर्मी हो जाए एक दिन ठंड हो जाए, तो इस वजह से हो रही दिक्कत। और ईशु को तो आज नजला जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा। तो जी अब पी लेते हैं चाय, थोड़ी सी देर बैठ कर बात करेंगे और फिर अपना काम पर लगेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ जो गिफ्ट मुझे मिले हैं, वो मैंने तो फिर भी एक बार देख लिया, इन्होंने नहीं देखे अभी तक, तो मैं इन्हें भी लेके आई बुला के, मैं देख लो आप भी। तो यहाँ सबसे पहला तो मेरा गिफ्ट है पर्स, और पर्स है ये जो इंदु ने दिया मुझे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका कलर है बहुत सुंदर है और अच्छा लग रहा। और जो सारे ही पर्स है मेरे पास, सारे लगभग इंदु ने दे रखे हैं मुझे गिफ्ट में, एक आधी बंदा आज तक खरीदा होगा वरना उसी के लिए गिफ्ट ही नहीं है सारे। और सच में बहुत सुंदर लगा मुझे इस तरह के कलर भी अच्छे लगते हैं, तो ये मैं ज्यादातर मैं इसे खा कर रख दूंगी। कभी ये ऐसा है जैसा कहीं शादी शुदी में जाओ उसके लिए, मुझे फंक्शन के लिए तो वेट करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, तो इसे अभी मैं उठा कर रख दूंगी। और मुझे मतलब बहुत ही पसंद आया,
और आप भी कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको मेरा पर्स। तो ये है मेरा गिफ्ट और दूसरा ये है आपका हलवा। खोलो, मेहंदी का डिब्बा नहीं आया हो? मेहंदी का ही सोच रहा था, मेहंदी का ही सोच रही थी। बढ़िया पर्स। अच्छा, ये भी इनका वो है, क्या बोला है, पर्स इसका कुछ हो वॉलेट। तो ये है इनका। आपके पास भी था नहीं, कितने साल हो गए आपके पास पर्स नहीं है? हाँ तो नहीं, पर नहीं है तो मेरे पास बहुत पुराना है वो, मेरी सोच ये है, मैं जद तक नहीं रखता पर्स, जब निकले ना उसमें सारी चीज हो, वो सारी निकले तो मैं सबसे सेफ क्या मानू, सबसे सेफ मानू मैं या जी? इसमें पर्स रखा जाता, इसमें पैसे पासे जो भी रखना है इसमें रखो। बस इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा, मान लिया कुछ कोटा हो गया, कुछ ठहरे ना या कुछ काम कर ले तब निकालते हैं कि डर रहा है। ये जेब बहुत कम कटे है, रास्ते में जाओ या और मेरे पापा जी भी इसी जेब में रखे हैं, इसी जेब में तो उनका मोबाइल निकला अभी, उनका मोबाइल अभी मेरे भाई ने दिया था, आपने थोड़े ही दिन चलाया मुश्किल से, एक दो महीने बेचारों का निकल गया, वे इसी जेब में रखे हैं और उसमें तो निकल गया। और अच्छा लगा ये वाला भी, बहुत कलर भी प्यारा है, बहुत सुंदर है, मतलब यूजफुल चीज है। और अब तीसरा गिफ्ट मैं दिखा दूँ आपको, ये है मेरा दुपट्टा। ये दुपट्टा भी इंदु ने दिया गिफ्ट, नहीं ये कृष्णा ने दिया है ना कृष्णा, वो कह रहा कि मैंने दिया। अच्छा ये सारा आपने दिया? अच्छा जी। तो ये है दुपट्टा और इसका जो प्रिंट है वो बहुत प्यारा है, ये देखिए इस पर ये इस तरह से बने हुए। आजकल ऐसा ही फैशन चल रहा, और इसके साथ मैं सिलवाऊंगी सूट प्लान या प्रिंटेड भी हो जो इसके साथ मैचिंग हो जाए वो वाला। और इस पर पिकॉक भी बने हुए, देखिए ये है इसका लुक है, ये अच्छा लग रहा, कहने का मतलब ये है। ये इस पे मोर बने हुए और ये डांस करते हुए हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी, लड़के ढोलक बजाते हुए, और अच्छा लग रहा प्रिंट। और इसके साथ आप कमेंट करके बताना किस कलर का मैं इसके साथ सूट बनवाऊँ, मुझे लग रहा है हाँ इसमें काफी सारे कलर हैं। तो ये दुपट्टा है मेरा, और जो केक दिया है वो आपको बताई गई थी मैं, वो मुझे दिया है गुड्डू ने, वो गुड्डू की तरफ से गिफ्टेड है ईश्वर, वो केक जो दिया वो गुड्डू ने दिया। केक जो कलम ने कट करा वो गुड्डू की तरफ से था, ईश्वर गुड्डू की दोनों की तरफ से है समझ लो, क्योंकि इनकी जो पॉकेट मनी होती है वो दोनों की होती है, एक नहीं वैसे ईशु ही रखता है पैसे, वो रखती नहीं है, ये भी बात है। तो सवाल अब रह गया, इन्होंने मुझे क्या दिया मैंने इन्हें क्या दिया, तो ये सवाल रह गया सभी के दिमाग मारता है कि आपने एक दूसरे को क्या दिया, तो ना इन्होंने मुझे कुछ दिया ना मैंने इन्हें कुछ दिया, दोनों का उधार है। असल में मैं कौन होती हूँ देने वाली, मेरे पास तो कुछ है। अच्छा आपने इनको प्यार दिया और क्या दो तो क्या नाम, इन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, अब मुझे उस गिफ्ट का इंतजार रहेगा कि कब मिलेगा, है लोगे ना कभी भूल जाओ। अरे तू टेंशन नहीं ले, छोड़ दे टेंशन, खुश हो गया पैर छू रहा सबके। और ये वो लाए ना, क्या लाए, मैक्रोनी लाए, और ये खुश हो गया इसके खुशी का। हाँ और मैं भी बारिश हो रही, बारिश में ही गई लेट, और तू भी खाओगा क्या मैक्रोनी? इसको तो भेज दो इसके घर।
आगे में मैंने आपको जैसा दिखाया दाल तो रखी है और मुझे बनानी है सब्जी। सब्जी भी इसलिए बनाऊंगी जो संदीप भैया में आने लग रहे हैं। संदीप भैया को तो आप जानते होंगे। आगे क्या कन्हैया पूरे आने लग रहे हैं। यही रहते हैं ना बच्ची, तो कल संडे है भी आ जाएंगे, छुट्टी वाले दिन आ जाते हैं वे। तो अब मैं देखती हूँ क्या सब्जी मुझे बनानी, तो चलती हूँ बस रसोई में, खाने की करूंगी तैयार। तो कहाँ फिर रहा भाई बारिश में? मैं दवाई लेने गया था जी। अच्छा मिलेगी क्या? क्या भाई तू तो? अरे वहाँ छतरी नहीं थी, कुछ नहीं थी। चल ये कपड़े बदल ला, इतनी ठंड लग रही है। अरे दवाई फेरी क्या रुकनी थी? दुकान बंद हो जाए। हाँ यहाँ बाद में आ जाता, पर वहाँ बिक गया होगा। चल कपड़े बदल लेता बोला, और वह लग गई अपने मिशन पे। लग गई क्या तू है? इस टाइम मेरा या तो मन करना पढ़ाई करनी या फिर कुछ बनाना है। देख कितना बदी खो रहा है। ये मैक्रोनी की खुशी है या मैगी और मैक्रोनी दोनों? चॉकलेट थी तो मजा आया इसका। तो वो कह रहे हैं अक्षर रोंगली कढ़ाई उसमें घी में और सिर कढ़ाई में। अवे बनानी तेरे पे? अच्छा के साथ साथ मैंने एग्जाम में खाना भी सीख लिया। ठीक है तो खाली होगा पेपर खत्म होगा जब सीखा। अब एग्जाम कंप्लीट होता ही सर फिर तो बिल्कुल फ्री है तो है। हाँ जी वो फिर दवा का सीख ले सारे काम। सुबह को नहीं उठने की, सुबह को तो यार दौड़ लगा का करके हमारे साथ जाके। नहीं, क्यों शाम को लगाऊंगी। जब अच्छा। से स्टार्ट हुए तब से दीदी हर रोज एक दिन एक बार खाना बनाती है। क्या बोलूं मैं, हर रोज कहाँ बनावे, कोशिश कर रही है। चल बना लेता है।